एक कहावत है कि तार से गिरे तो खजूर पे अटक गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। यह कहावत चंदन कुमार उर्फ चंदन राम पे सटीक बैठ रहा है, क्योंकि विधायक जी मुखियाई का चुनाव लड़ गए और वो सोचे होंगे विधायक जी कि भाई हम विधायक रहे हैं 5 साल तो मुखियाई तो यूं जीत जाएंगे। लेकिन विधायक जी को ये भी नहीं पता था कि हमारी कामों को देखते हुए या शायद हो सकता है जनता हमसे इतना नाखुश है कि मुखियाई का चुनाव भी हमको हरवा दे। अब विधायक जी को शायद घमंड भी होगा कि भैया जो विधायक का इलेक्शन जीत सकता है, विधानसभा का चुनाव जीत सकता है, उसके लिए मुखिया का चुनाव चुटकियों का खेल है। तो खैर, कहानी हम आपको बताते हैं, बिहार की कहानी है और आरजेडी के पूर्व विधायक हैं चंदन कुमार उर्फ चंदन राम, जो पहले विधायक रह चुके हैं, यानी 2015 में आरजेडी के चुनाव चिन्ह से विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। पाशुपति पारस को हरा देते हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी वर्तमान में, लेकिन इस बार खुद ही अपने विपक्षी से उन्हें 1300 वोटों से मात खाना पड़ा। अब मुखियाई का चुनाव लड़ने चले, क्योंकि विधायक जी को नेता नगरी की शौक होगी, क्योंकि विधायक जी अब विधायक रहे तो सोचे होंगे मुखियाई का चुनाव लड़ लेते हैं, मुखिया बन के काम चला लेंगे, लेकिन वो भी हाथ नहीं लगा। खैर, चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। अतौली के पूर्व विधायक हैं चंदन कुमार उर्फ चंदन राम नाम है, और वो अपने पंचायत के मुखिया पद का प्रत्याशी बनने चले, चुनाव लड़ गए, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि यानी करीबी जो प्रतिनिधि थे वो 1300 मतों से उनको पराजित कर दिया। अब आरजेडी के टिकट पे विधायक बने सांसद विधायक जी मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये ताज्जुब की बात है। अब मुखिया का चुनाव नहीं जीतने का वजह आप सोचिए क्या हो सकता है। विधायक जी ने अपने पंचायत से लेकर अपने विधानसभा में भरपूर काम किया होगा, विकास का काम किया होगा, इसलिए जनता खुश होगी, इसलिए उनको वोट नहीं दी। अब चंदन राम यही सोच रहे होंगे कि भैया किस जन का ये बदला था कि जनता ने ले लिया। वो भले दिल को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि गालिब के नाम पे एक शेर कहा जाता है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। अब विधायक जी अपने आप को संतावना दे रहे हैं कि जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता का जो फैसला है हमें स्वीकार है। अब विधायक जी जब हार गए, हार का मजा चख लिए, तो अब खुद को संतावना देने शुरू कर दिए। अब उन्होंने कहा विधायक जी अब सोचिए, जब विधायक का चुनाव लड़ा हो, जो विधायक बना है उसको सिर्फ 500 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए मुखिया के इलेक्शन में, यानी मुखिया के चुनाव में, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। विधायक जी 500 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। 2015 में मैं बता दिया कि पारस को उन्होंने मात दिया था चंदन, और चंदन उर्फ चंदन राम ने, और विधायक बने थे, लेकिन इस बार मुखिया में अपना हाथ आजमाया, हार गए। अब विधायक जी हार गए हैं, हार के बाद उनसे काफ़ी लोगों ने सवाल जवाब किया तो वो बचते हुए नजर आए, वो नहीं चाह रहे हैं कि हम कुछ बोले, क्योंकि मुखियाई का चुनाव लड़े थे और मुखियाई का चुनाव हार गए। तो खैर, ये मुखियाई का चुनाव लड़ना और विधायकी का चुनाव लड़ना दोनों में बड़ा अंतर है। वो अंतर आज समझ में आ रहा है कि एक विधायक जी मुखिया भी नहीं बन पाए, यानी जनता जिससे खुश है उसी को अपना मत देती है। ये तो प्रूफ हो गया कि अगर आप काम करेंगे तब भी आप इलेक्शन जीतेंगे, तब भी आप चुनाव जीतेंगे, वो वार्ड पार्षद का ही क्यों ना हो, वो विधायकी का क्यों ना हो, वो मुखिया का ही क्यों ना हो। खैर, ये बिहार की कहानी है। बिहार में एक से एक बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं जो अगर कहते हैं कि अगर उनका बस चले तो वार्ड का इलेक्शन भी वो लड़के जीत सकते हैं या वार्ड का चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि जब विधायक नहीं बने तो मुखिया बनने की कोशिश किए, मुखिया बनने की राह पे चल दिए और हार का सामना करना पड़ा। खैर, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।